मारने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो ये देखिए ये पर्ची, एक मिनट में रविंद्र आपको रोक रही हूँ, और ये देखिए ये पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में है और वसुंधरा राजे ने इस पर्ची को खोला है। इसको क्या समझा जाए रविंद्र, एक पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में है, वो उन्होंने खोली और फिर हंसी वो देख के राजनाथ सिंह की तरफ। वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बन रही है, यह पिछले जो परिपाटी है, क्योंकि वहां रमन सिंह ने पर्ची खोला, रमन सिंह प्रस्तावक थे, शिवराज सिंह चौहान ने पर्ची खोला, शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावक थे। अच्छा, यहां पर भी प्रस्तावक अगर जो आप दिखा रही हैं, हाँ। प्रस्तावक हैं तो नाम किसी और का होगा। एक बात और, एक अगर आपको समय बता दूं, इसका इसी से जुड़ा हुआ कि जब यूपी में 2017 में यहां पर उसमें केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, अमित शाह जब निकले तो उनसे पूछा गया कि कौन अध्यक्ष कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो केशव मौर्य ही तय करेंगे, यानी केशव मौर्य का नाम उसमें कट गया, अमित शाह ने सबके सामने उनका नाम काट दिया, क्योंकि यही यही बताएंगे, यही तय करेंगे, यानी आप तय करोगे तो आप खुद नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, अगर पर्ची हो तो भाई रवि त्रिपाठी, पर्ची तो अब वसुंधरा राजे के हाथ में, तो लग रहा है कि ये शर्त तो आप ही जीत रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे आपको बनती हुई मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रही है, और पर्ची क्योंकि वसुंधरा राजे ने खोली है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और का नाम प्रस्ताव करे देंगी अपना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ट्रेंड अभी दिख रहा है दो राज्यों में, उसके हिसाब से जो सीनियर लीडर्स हैं उनको अब मौका नहीं मिलने जा रहा है। अब जो नई पीढ़ी को मौका मिलेगा और नया नाम होगा जिनके आगे, जो कि वसुंधरा राजे को मौका मिल चुका है, दो बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का अर्थ है कि आप नई पीढ़ी को इग्नोर कर रहे हैं। और ये जैसा रविंदर ने कहा कि ये वोट जो मिला है, ये सरकार जो बनी है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, और इसलिए और लोकसभा चुनाव में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार वसुंधरा राजे हारी, फिर भी लोकसभा में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती, तो वसुंधरा राजे डेंट करेंगी ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि बीजेपी में बगावत का कोई स्थान नहीं है, और जितने बागी आज तक बने हैं उनका वो जो चाहे तो पार्टी छोड़ के गए और दरकिनार हुए या फिर वापस पार्टी में उनको आना पड़ा है, तो वसुंधरा राजे ये सब जानती है। और अभी जो नेतृत्व है बहुत ही मजबूत है अमित शाह नरेंद्र मोदी का, तो जो भी फैसला हुआ होगा उनकी उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, और आज भी राजनाथ सिंह से उनकी लंबी बातचीत ललित होटल में वहां हुई है, तो एक निर्णय हुआ होगा और वो प्रस्ताव करेंगी। प्रस्ताव के तो जो प्रोसेस है कि सीपी जोशी ने पहले भाषण दिया होगा, फिर अब वसुंधरा राजे उस पर्ची को पढ़ेंगी, सब लोगों को बताया जाएगा, वही प्रस्ताव करेंगी, और उस प्रस्ताव का अनुमोदन 1 से 2 लोग करेंगे जो वहां सीनियर विधायक हैं, और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है नाम का ऐलान हो चुका होगा, आपके पास खबर आने वाली होगी। बिल्कुल ठीक है, अंकुर त्यागी का मैं रुख कर लेती हूं कि कौन बना है मुख्यमंत्री। बिल्कुल देखिए अंकुर, आपने रवि को भी सुन लिया, रविंद्र को भी सुन लिया, और पर्ची मुझे यहां तस्वीर में